दर्पण में और कैमरे में एक बहुत बड़ा अंतर है। दर्पण में और कैमरे में बहुत बड़ा अंतर है। दर्पण कांच आईना, दर्पण दर्पण के सामने कोई आया हट गया, दर्पण के सामने से सब हट गया। बोलो सही है कि गलत है, जम के तो बोलो। दर्पण है, दर्पण के सामने जाओगे तो दिखोगे, हट गए तो हट गया। दर्पण के सामने जो आया फिर हट गया, हट गए हट गया। और कैमरा, कैमरा एक बार अगर खींच लेता है, कैमरा एक बार अगर कैमरे के सामने आ जाओ तो वो क्लिक कर लेता है, खींच लेता है, खींच लिया तो अपने अंदर जमा कर लेता है। दर्पण अपने अंदर जमा नहीं करता, कैमरा अपने अंदर जमा करते जाता, करते जाता, करते जाता, करते जाता, फिर मालूम पड़ता कि कैमरे की मेमोरी जम के तो बोलो फुल हो गई। अब क्या करना पड़ेगा तो कि डिलीट करो, डिलीट नहीं करोगे तो क्या होगा तो काम मोबाइल हैंक मारेगा। हैंक मारेगा मतलब अच्छे से नहीं चलेगा, अटकेगा, चलेगा नहीं, बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि उसमें मेमोरी बहुत भरा गई, उसमें बहुत सारे फोटो आ गए, उसमें बहुत सारा वीडियो आ गया, बहुत सारा उसमें लेखनी आ गई, बहुत सारी वॉइस आ गई, तो वो हैंक मार रहा, चल नहीं रहा। दर्पण और कैमरे में एक अंतर है, दर्पण के सामने से सब हट जाता है, आए गया, जिसने मुंह देखा चला गया, दर्पण खाली की खाली है और कैमरा भराता गया भराता गया भराता गया, तो मालूम पड़े मोबाइल हैंक मार रहा है, अब उसमें से डिलीट करो। उसी तरह अपने मन को दर्पण जैसा रखो, किसी ने कुछ बोल दिया हटा दो, किसी ने कुछ कह दिया हटा दो, किसी ने गाली दे दी हटा दो, किसी ने कुछ कहा हटा दो, अपने मन को दर्पण जैसा बनाओ, सब साफ करते चले जाओ रोज रोज। अगर मन को कैमरे जैसा बनाओगे, उन्होंने हमसे ऐसा कह दिया, तो मन में रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए, सास ने ऐसा बोल दिया रखते गए, बेटे ने ऐसा बोल दिया, जमाई ने ऐसा बोल दिया, पड़ोसी ने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, सब अंदर भरते गए भरते गए भरते गए। मालूम पड़ा मोबाइल हैंक मारने लगा, डिप्रेशन में रहने लगे, नींद नहीं आ रही, चिंता पड़ गई, दो दो दिन तक नींद नहीं आ रही, मेरी बहुत चिंता बहुत टेंशन, सिर दुख रहा है, पैर दुख रहे, हाथ पैर दुख रहे, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं डिप्रेशन में चले गया। कारण क्या है? क्योंकि तुमने पूरी मेमोरी फुल करके रख ली, इसलिए निवेदन है डिलीट करिए। और आप सबसे निवेदन है, कैमरे जैसे मत बनो, अंदर मत भरो, बनना है तो दर्पण जैसे बनो, सब निकाल कर बाहर करते चले जाओ, आया गया आया गया आया गया, जाओ जाओ। किसी ने गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, सब जाओ सब जाओ सब जाओ। कितना अपने आप को फ्रेश रखिए, अपने आप को खुश रखिए, बोले बोले आग लगे बस्ती में, अरे जम के तो बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के अलमस्त हो जाए। एक अलमस्त का जीवन। अच्छा तुम ईमानदारी से बोलो, दुनिया में जितनी गाली किसी को नहीं पड़ती होगी उतनी सीवर वाले महाराज को पड़ती है, और कहीं का होए ना तो आधा तो डिप्रेशन में पड़ के बॉटल लगा के हॉस्पिटल में पड़ जाए। परंतु जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ तो दुख काहे का, अलमस्त हो। दर्पण मन को दर्पण जैसा बनाओ, किसी ने बोला साइड, किसी ने कहा साइड, किसी ने कहा साइड। ये कानों में कुंडल काय के लिए पहनते हो, जल्दी बोलो, कानों में कुंडल काय के लिए पहनते हो, सुंदर दिखने के लिए, कानों में कुंडल सुंदर दिखने के लिए पहनते हो, नहीं, ये कानों में छेद इसलिए करा जाता है कि अच्छी बात आए ना तो ये कानों के अंदर जाने देना, बेकार बात आए ना तो ये कुंडल वाली जो छेद है।